हेलो फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं फ्रेंड कि किस तरह से आप अपने मोबाइल में एक स्टेटस वीडियो को बना सकते हैं जिसमें कि आपका टेस्ट ग्लो करे। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड वो वीडियो का आप रिव्यू देख लें फ्रेंड कि वो स्टेटस किस तरह से आपका बन के आएगा। म्यूजिक तेरे लिए। तो फ्रेंड वीडियो देख लिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो फ्रेंड, इस तरह का टेस्ट ग्लो करने वाला स्टेटस को बनाने के लिए फ्रेंड आपको सिंपली एक एप्लीकेशन का जरूरत होगा। तो फ्रेंड आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। तो फ्रेंड उस एप्लीकेशन का नाम है इलाइट मोशन। तो फ्रेंड अगर आपके फ़ोन में भी प्रो वर्जन इलाइट मोशन नहीं है तो फ्रेंड आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मैं आपको वहां से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड बने रहें इस वीडियो में। तो फ्रेंड अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड मैं इस तरह का कॉन्टेंट लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको उस स्टेटस को बनाने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको अपना लाइट मोशन एप्लीकेशन को ऑन कर लेना होगा। तो फ्रेंड यहाँ से देख रहे हैं कि प्लस का आइकन, तो फ्रेंड आपको प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना। प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ से देख रहे हैं एक है क्रिएट प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड सिंपली आपको क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड फिर से यहाँ देख रहे हैं एक है प्लस का आइकन। तो फ्रेंड आपको फिर से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके फ्रेंड आपको एक इमेज ले लेना है। तो फ्रेंड मैं एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देख रहे हैं ये मैंने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ कोने में देख रहे हैं ये है थ्री डॉट। फ्रेंड आपको यहाँ से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से देख रहे हैं फिल स्क्रीन, तो आपको फिल स्क्रीन करके यहाँ से स्क्रीन को आपको फुल कर लेना है। इतना हो जाने के बाद फ्रेंड आपको अब फोटो में इफेक्ट को यूज करना है। तो फ्रेंड फोटो में इफेक्ट को यूज करने के लिए फ्रेंड आपको यहाँ से इफेक्ट के ऊपर चले जाना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ देख रहे हैं एड इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको चले जाना है मूव एंड ट्रांसफर में। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको एक्सलेट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से देख रहे हैं एक एंगल, तो फ्रेंड एंगल को जो है फ्रेंड आपको कर लेना है, जितना है फ्रेंड उतना ही आपको रहने देना है। तो फ्रेंड सेकेंड में है फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी को यहाँ से कर लेना है 0.50। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ देख रहे हैं मैग्नीट्यूड। फ्रेंड उसके बाद मैग्नीट्यूड के ऊपर क्लिक करके आपको मैग्नीट्यूड को कर लेना है 35। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और उसके बाद आपको प्ले करके देखना है। तो फ्रेंड देख रहे हैं ये कितना अमेजिंग लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड आपको इतना कर लेने के बाद फ्रेंड आपको फिर से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और फ्रेंड यहाँ से एक म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको भी म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड देख रहे हैं मैंने म्यूजिक को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके जितना हमारा म्यूजिक का लेंथ है उसके हिसाब से आपको अपना फ़ोटो का लेंथ को भी बढ़ा लेना है। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड हमारा फ़ोटो का काम ख़त्म हो गया। अब फ्रेंड इस फ़ोटो में हमको टेस्ट को ऐड करना है। तो फ्रेंड आपको सिंपली यहाँ से गाना को सुन लेना है कि फ्रेंड आपका गाना का फर्स्ट लाइन क्या है। तो फ्रेंड मैं सुन लेता हूँ। तो फ्रेंड मेरा गाना का फर्स्ट लाइन है तेरे लिए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से टेस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको टेस्ट को लिख लेना है। तो फ्रेंड मेरा गाना का फर्स्ट लाइन है तेरे लिए, तो मैं फ्रेंड तेरे लिए लिख लेता हूँ तेरे लिए। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से रोबोट रेगुलर के ऊपर क्लिक करके आपको फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड मैं यहाँ से एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मैं फॉन्ट को ये सिलेक्ट कर लिया।
अगर फ्रेंड ये फॉन्ट आपके फ़ोन में नहीं है तो फ्रेंड आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ATPT के ऊपर क्लिक करके फ्रेंड इसको थोड़ा सा आप बढ़ा ले। तो मैं फ्रेंड इसको 64 PT कर लेता हूँ और इसको यहाँ से थोड़ा साइड कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से कलर के ऊपर क्लिक करके फ्रेंड आप मैं यहाँ से इसका कलर को वाइट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड इतना कर लेने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ से मूव एंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करके आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है इसको, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड उस वीडियो में मेरा यहीं पे है, तो फ्रेंड मैं यहीं पे रख देता हूँ। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड आपको गाना का जो फर्स्ट बोल है फ्रेंड कितना बड़ा है वो सुन लेना है। तो फ्रेंड मेरा गाना का जो है बोल इतना ही है। उसके बाद फ्रेंड अब मैं टेस्ट में इफेक्ट को यूज करने वाला हूँ। तो फ्रेंड आप ध्यान से देखें, नहीं तो फ्रेंड आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या किया। तो फ्रेंड अब इसमें टेक्स्ट में इफेक्ट को यूज करना है, तो इसके लिए फ्रेंड टेस्ट के बीचों बीच रहना है और फ्रेंड यहाँ से आपको इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से ऐड इफेक्ट पे जाना है फ्रेंड। और आपको फ्रेंड यहाँ से 3D में क्लिक करना है और यहाँ से फ्रेंड आपको फ्लिप लेयर के ऊपर क्लिक करके और यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है और फ्रेंड यहाँ से आपको लेना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से देख रहे हैं एक एंगल, तो फ्रेंड एंगल के बीचों बीच आपको रहना है फ्रेंड और आपको एक प्लस देना है। और फ्रेंड उसके बाद फ्रेंड सबसे फर्स्ट में आ जाना है और फिर आपको एक प्लस देना है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड टेस्ट के लास्ट में चले जाना है, फिर आपको एक प्लस देना है। और फ्रेंड ये जो टेस्ट के लास्ट में जो फ्रेंड आप एक प्लस दिए हैं उसको फ्रेंड आपको यहाँ से +90 यहाँ से नीचे कर लेना है इसको। तो फ्रेंड इसको +90 कर लेना है और फ्रेंड यहाँ से ये फर्स्ट में जाके फर्स्ट वाला जो है, और फ्रेंड यहाँ से जो है इसको फ्रेंड कर लेना है -90। अब फ्रेंड हमारा टेस्ट कुछ इस प्रकार से ये फ्लिप करेगा। तो फ्रेंड देख रहे कितना अमेजिंग लग रहा है। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड इसमें और एक इफेक्ट को यूज करना है। तो फ्रेंड फिर से आपको इफेक्ट के ऊपर चले जाना है, फिर से आपको ऐड इफेक्ट में चले जाना है और फ्रेंड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है मूव एंड ट्रांसफर में जाके ऑक्सलेट को और फ्रेंड यहाँ से आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है और फ्रेंड यहाँ से अब इसका सेटिंग को थोड़ा सा सेटिंग कर लेना है। और फ्रेंड यहाँ से देख रहे हैं एंगल को फ्रेंड इसको कर लेना है 90 और फ्रेंड यहाँ से फ्रिक्वेंसी को फ्रेंड आपको ध्यान से सेटिंग करना है और फ्रेंड आपको टेस्ट के बीचों बीच रहना है और एक प्लस दे देना है एक प्लस बीच में और फ्रेंड आपको ये फर्स्ट में चले जाना है और फ्रेंड यहाँ से आपको फर्स्ट में भी एक प्लस को देना है और फ्रेंड ये बीच वाला जो आप प्लस दिए हैं फ्रेंड इसको आपको बढ़ा के कर लेना है फ्रेंड 0.20 और फ्रेंड यहाँ से जो आप फर्स्ट में एक प्लस दिए हैं फ्रेंड और इसको भी बढ़ा के आपको कर लेना है 0.50 बीच का कर लेना है 0.20 और फर्स्ट का कर लेना है 0.50 और फ्रेंड लास्ट में जो है फ्रेंड आपको लास्ट में भी एक प्लस देना है और फ्रेंड लास्ट को भी कर लेना है 0.50। तो फ्रेंड इतना कर लेने के बाद फ्रेंड देख रहे हैं ये टेस्ट कुछ इस प्रकार से हमारा कितना अमेजिंग लग रहा है। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड फिर से आपको टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर से इफेक्ट में चले जाना है और फिर से आपको एक्सलेट में चले जाना है और फ्रेंड यहाँ से देख रहे हैं एक है मैग्नीट्यूड और फ्रेंड इसको बढ़ा के आपको कर लेना है 125 और फ्रेंड इतना हो जाने के बाद फ्रेंड आपको फिर से एक ग्लो वाला जिसमें कि फ्रेंड टेस्ट हमारा ग्लो करेगा और फ्रेंड इसमें वो वाला इफेक्ट को ऐड करना है। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड आपको फिर से ये हमारा टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर से आपको इफेक्ट में चले जाना है और फिर से आपको ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फ्रेंड आपको ड्राइंग एंड एक्स के ऊपर क्लिक करना है और फ्रेंड यहाँ से आपको ग्लो वाले को सिलेक्ट कर लेना है और ग्लो वाले को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग में
चले जाना है। और फ्रेंड यहाँ से आपको ग्लो का सेटिंग को भी आपको थोड़ा सा सेटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड ग्लो के ऊपर क्लिक करना है और फ्रेंड यहाँ से देख रहे हैं रेडियस, तो फ्रेंड इस रेडियस को आपको 38 कर लेना है, इसको घटा के, ये पहले से ज़्यादा रहता है, आपको इसको घटा के 38 कर लेना है। और फ्रेंड एक है अल्फ़ा, तो फ्रेंड अल्फ़ा को जो है फ्रेंड आपको यहाँ से 100 कर लेना है। और फ्रेंड यहाँ से है हार्डनेस, हार्डनेस को फ्रेंड आपको इसको भी कम करके फ्रेंड 0.47 कर लेना है। और फ्रेंड यहाँ से आपको कलर को जो है फ्रेंड कलर को भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं, तो फ्रेंड मैं ब्लू कर लेता हूँ। इतना करने के बाद फ्रेंड यहाँ से एक है स्क्रीन, तो फ्रेंड आपको स्क्रीन को फ्रेंड नॉर्मल कर लेना है। और इतना हो जाने के बाद फ्रेंड अब फ्रेंड इसमें और एक इफेक्ट को यूज करना है, तो फ्रेंड इसके लिए आपको प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड यहां से आपको चले जाना है कलर एंड लाइट में, और फ्रेंड यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है ये वाला रेस, रेस को सेलेक्ट कर लेना है। और फ्रेंड यहां से स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है और फ्रेंड इसका भी सेटिंग को आपको सेटिंग कर लेना है। और फ्रेंड इसका सेटिंग में है फ्रेंड सेंटर, तो फ्रेंड आपको सेंटर में जो है आपको ध्यान से सेट करना है। तो फ्रेंड आपको सेंटर के फर्स्ट में चले जाना है, फर्स्ट में जाके फ्रेंड प्लस की देना है और फ्रेंड इसको कर लेना है -1170। और फ्रेंड जो फ्रेंड उसके बाद फ्रेंड जो हमारा टेस्ट जहां ख़त्म होता है उसके थोड़ा सा पहले फ्रेंड फिर से आपको एक प्लस की देना है और फ्रेंड इसको कर लेना है +200 के करीब। अब फ्रेंड हमारा टेस्ट कुछ इस प्रकार से देखने में आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड फिर से आपको एक सेटिंग करना है, फिर से फ्रेंड आपको चले जाना है इफेक्ट में और फिर से आपको रेस में ही कुछ सेटिंग करना है। तो फ्रेंड यहाँ है लेंथ, लेंथ का जो है फ्रेंड इसको कर देना है बढ़ा के 4, लेंथ को बढ़ा के 4 कर देना है। और फ्रेंड यहाँ है इंटेंसिटी, इसको जो है फ्रेंड इसको कर लेना है 3.43, इसको बढ़ा लेना है। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड यहाँ से एक है थ्रेशोल्ड, इसको जो है फ्रेंड इसको फ्रेंड कर लेना है 0.08, इसको कम कर लेना है फ्रेंड, ये पहले से ज़्यादा रहता है। और फ्रेंड इतना कर लेने के बाद फ्रेंड अब हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड देख रहे हैं ये कितना अमेजिंग कुछ इस प्रकार से लग रहा है टेस्ट का। फ्रेंड अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद फ्रेंड जो मेरा गाना का दूसरा लाइन है, इतना कर लेने के बाद फ्रेंड आपको आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और फ्रेंड यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से कॉपी लेयर कर लेना है। और फ्रेंड उसके बाद फ्रेंड यहाँ से जो हमारा इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके टेस्ट में चले जाना है। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा गाना का दूसरा लाइन है मैं वो लिख लेता हूँ, तो मेरा दूसरा लाइन है ही जिया, तो मैं ही जिया लिख देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको फिर से एस कर देना है। और फ्रेंड उसके बाद फ्रेंड देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा आ रहा है। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड आपको सभी लाइन को कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है, तो फ्रेंड मैं कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे सारा लाइन को मैंने लिख लिया है। उसके बाद फ्रेंड इतना कर लेने के बाद फ्रेंड देख रहे हैं ये हमने सारा लाइन जो गाना का था मैं सब लिख लिया हूँ। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ से ये कोने में इसके ऊपर क्लिक करना है और फ्रेंड यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, गाने को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से सेव कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका ये वीडियो गैलरी में सेव हो गया होगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।